फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद मी। टुडे वी लर्न इंग्लिश के डेली यूज होंगे जी, छोटे छोटे वाक्य लिए हम उसको पढ़ेंगे, उन्हें डेली यूज लाइफ में भी यूज करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो को बेनिफिट होने वाला। फर्स्ट सेंटेंस इज, वेयर इज द पेन कैप्ट? पेन कहाँ रखा हुआ है? कैप में रखा हुआ है। वेयर इज द पेन कैप्ट? पेन कहाँ रखा हुआ है? मास्क करते हुए मेरा पेन कहाँ रखा हुआ है? तो वेयर इज द पेन इज कैप्ट। कैप्ट रखा हुआ के लिए यूज है कि कहाँ रखा हुआ है, तो वेयर इज द पेन कैप्ट। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी पीपल आर देयर? वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ कितने लोग हैं? मास्क करते हैं, वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ के लिए देयर यूज होता है, यहाँ के लिए हेयर हेयर यूज होता है। वहाँ के लिए देयर और हेयर के लिए हेयर। वहाँ कितने लोग थे? हाउ मैनी पीपल आर देयर? वहाँ कितने लोग हैं? आई एम क्रेजी फॉर गिटार। मैं गिटार के लिए पागल हूँ। क्रेजी हम यूज करते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए पागल हूँ, उसके चीज़ के लिए पागल हूँ, तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्रेजी। आई एम क्रेजी फॉर गिटार। मैं गिटार के लिए पागल हूँ, तो मुझे गिटार बजाने की दुनिया, तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्रेजी। I'm crazy for guitar. Which girl's father was standing there? किस लड़की के पापा वहाँ खड़े थे? किस लड़की के पापा वहाँ खड़े थे? तो which girl's father was standing there? किस लड़की के पापा वहाँ खड़े थे? कई सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, उसमें से मैं एक से पूछ रही हूँ कि किसके खड़े हुए थे, तो हम यूज करेंगे which girl's father was standing there? I was standing just in front of you. मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। सामने खड़े होने को कहते हैं मतलब फेस टू फेस, उसे कहते हैं फ्रंट ऑफ यू। आई वाज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। आई वाज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अंटिल व्हेन वाज राम हियर इन दिस प्लेस? राम कब तक इस जगह में था, मतलब कब तक था यहाँ पर? बस कहते हैं कि वो कब तक यहाँ था, वो कब तक यहाँ थी, तो उसके लिए याद करते हैं हम अंटिल व्हेन वाज राम हियर इन दिस प्लेस। अंटिल व्हेन वाज राम हियर इन दिस प्लेस। व्हाट आर यू सैड फॉर? तुम किस बात के लिए दुखी हो? सैड मीन्स दुखी, दुखी या उदास के लिए हम सैड यूज करते हैं। व्हाट आर यू सैड फॉर? तुम किस बात के लिए दुखी हो? व्हाट आर यू सैड फॉर? नेक्स्ट इज, हु डजंट हैव मनी? पैसे किसके पास नहीं है? किसके पास पैसे नहीं है? मास्क करते, तो उसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे हु डजंट हैव मनी। पैसे किसके पास नहीं है? हु डजंट हैव मनी। हु डजंट हैव मनी। हु इज देयर बिहाइंड यू? तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज देयर बिहाइंड यू? तुम्हारे पीछे कौन है? बिहाइंड मीन्स पीछे। हु इज देयर बिहाइंड यू? तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज देयर बिहाइंड यू? विच वन इज योर पेन? तुम्हारा पेन कौन सा वाला है? कई सारे पेन रखे हुए हैं, हम उसमें से आस्क करते हैं भाई तुम्हारा पेन कौन सा वाला है, तो देन हम यूज करेंगे विच वन इज योर पेन। तुम्हारा कौन सा वाला पेन है, ये तुम्हारा पेन कौन सा, तो विच वन इज योर पेन? विच वन इज योर पेन? दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और है। मतलब ये वो नहीं है जो मैं चाहता, जो देख रहा था, ये मैं सोच रहा था, ये कुछ और है। दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और है। समथिंग एल्स मीन्स कुछ और। दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और है। हुज इज दिस पेन? ये पेन किसका है? ये पेन किसका है के लिए यूज करते हैं हुज इज दिस पेन? ये पेन किसका है? हुज इज दिस पेन? दिस इज समवन एल्स, ये कोई और है। ये कोई और है, तो समवन एल्स, ये कोई और है, ये कुछ और है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग एल्स। दिस इज समवन एल्स, ये कोई और है। समवन मीन्स कोई। रिलेशन आर ब्यूटीफुल, रिश्ते खूबसूरत होते हैं। हमें रिश्तों की वैल्यू करनी चाहिए, तो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, उसके लिए यूज करेंगे रिलेशन आर ब्यूटीफुल। रिलेशन आर ब्यूटीफुल।
हाउ डू यू हैव दिस मच मनी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, कैसे हैं भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, तो उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं हाउ डू यू हैव दिस मच मनी, मच मनी कितने सारे, इतने सारे पैसे, मच मनी इतने सारे पैसे, हाउ डू यू हैव दिस मच मनी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, हाउ डू यू हैव दिस मच मनी। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, या मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हु एम आई टू यू, मैं तुम्हारा कौन हूँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो हु आई, हु एम आई टू यू, मैं तुम्हारा कौन हूँ, हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू। We all are with you, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो we all are with you, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम सब यूज़ कर सकते हैं, we all are with you। You both are the best, तुम दोनों सबसे अच्छे हो, you both are the best, तुम दोनों सबसे अच्छे हो, या ये नेक्स्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, both of you are the best, तुम दोनों सबसे अच्छे हो, तो बोथ ऑफ यू आर द बेस्ट, बोथ ऑफ यू आर द बेस्ट। व्हाट टाइम, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम, हम पूछते हैं किसी से कि समय क्या हुआ, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं व्हाट इज द टाइम, या हम कह सकते हैं व्हाट द टाइम, समय क्या हुआ है, व्हाट द टाइम। आयरन ऑल द क्लोथ, सभी कपड़ों पर प्रेस कर दो, ये इस्त्री कर दो, हम स्पीक करते हैं सभी कपड़ों पर इस्त्री कर दो, तो मुझसे इंग्लिश में बोलेंगे आयरन ऑल द क्लोथ, आयरन ऑल द क्लोथ, सभी कपड़ों पर प्रेस कर दो, आयरन ऑल द क्लोथ। लेट दिस गर्ल वर्क हेयर, इस लड़की को यहाँ काम करने दो, इस लड़की को मत हटाओ यहाँ से, इसे यहीं काम करने दो, तो हम इसे यूज करेंगे लेट दिस गर्ल वर्क हेयर, इस लड़की को यहीं काम करने दो, लेट दिस गर्ल वर्क हेयर। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, हेल्प मीन्स मदद करना, पुअर मीन्स गरीब, तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। स्टे विद दैट बॉय, उस लड़के के साथ ठहरो, स्टे मीन्स ठहरो, विद दैट बॉय उस लड़के के साथ, स्टे विद दैट बॉय उस लड़के के साथ ठहरो, स्टे विद दैट बॉय। गो टू सी योर पेरेंट्स, गो टू सी योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने जाओ, मतलब उनको देखने जाओ, काफ़ी दिनों में देखने नहीं गए, तो हम यूज़ करते हैं ना कि उन्हें अपने माता पिता को देखने जाओ, तो हम यूज़ करेंगे गो टू सी योर पेरेंट्स, गो टू सी योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने जाओ। डोंट लेट हिम टू डू दिस, डोंट लेट हिम टू डू दिस, उसे ये मत करने दो, डोंट लेट मी टू डू दिस, उसे ये मत करने दो, ये हम अलग तरह से कैसे भी स्पीक कर सकते हैं टर्टल में, लेट हिम नॉट टू डू दिस, लेट हिम नॉट टू डू दिस, उसे ये मत करने दो, नॉट लेट हिम टू डू दिस। नेक्स्ट इज डोंट पार्क योर कार हेयर, अपनी कार यहाँ खड़ी मत करो, डोंट पार्क कार हेयर, अपनी कार यहाँ मत खड़ी करो, डोंट पार्क योर कार हेयर। डोंट बॉदर हिम, उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम, बॉदर मीन्स परेशान करना, हिम मानी उसे और डोंट मीन्स मत करो, डोंट बॉदर हिम, उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम। लेट हिम फाइंड आउट, उसे ढूंढ दो, उसे ढूंढने दो, या उसे ढूंढ दो, तो उसके लिए यूज करते हैं लेट हिम फाइंड आउट, उसे ढूंढने दो, या लेट हिम सर्च, उसे ढूंढने दो, सर्च मीन में ढूंढना और फाइंड मीन्स फाइंड आउट मीन्स में ढूंढना, तो लेट हिम सर्च या लेट हिम फाइंड आउट दोनों यूज कर सकते हैं। डोंट श्रिंक द वर्क, काम से जी मत छुड़ाओ, मतलब काम करने को टालते रहते, ये मन नहीं, मुझे नहीं जाना, ये हो रहा है, तो काम से मैं जी मत छुड़ाओ, तो डोंट श्रिंक द वर्क, काम से जी मत छुड़ाओ। नेक्स्ट इज काइंडली बोल्ट द डोर, कृपया दरवाजे की कुंडी लगा दो, काइंडली
बॉल्ट द डोर, बॉल्ट मीन्स कुंडी लगा दो, बॉल्ट द डोर कुंडी लगा दो, काइंडली कृपया, काइंडली कृपया के लिए यूज़ करते हैं। और बॉल्ट द डोर दरवाजे की कुंडी लगा दो, काइंडली बॉल्ट द डोर दरवाजे की कुंडी लगा दो। डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल, विवेक को उन लोगों से मत मिलने दो, मतलब उन लोगों से मत मिलने दो। तो डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल उन लोगों से, डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल, विवेक को उन लोगों से मत मिलने दो। तो डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल। बॉटम अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट, अपनी कमीज के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट, अपनी कमीज के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट, बटन अप यानी अपनी कमीज के बटन बंद करो, तो बटन अप योर शर्ट। बी वेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन, ऐसे चलाक आदमियों से सावधान रहो, चलाक आदमियों से सावधान रहो। बी वेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन, बी वेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन, क्लेवर मैन ऐसे चलाक आदमी, बी वेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन, ऐसे चलाक आदमियों से सावधान रहो। ऑलवेज बी पंचुअल, हमेशा समय के पाबंद रहो, बी पंचुअल समय के पाबंद, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज बी पंचुअल हमेशा समय के पाबंद रहो, हमेशा समय के पाबंद रहो, ऑलवेज बी पंचुअल, पंचुअल पाबंद, ऑलवेज बी पंचुअल। फ्रेंड्स इफ यू एंजॉय द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो जिससे। और आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर